स्माइल आना चाहिए, यस नाइस, थोड़ा स्माइली सॉफ्ट एक्सप्रेशन ही चल बच्चे, ये चिन डाउन, सुपर, दिस इज नाइस, और फेस स्ट्रेट कर, हेलो थर्माकोल, हाँ देना एक साइड में उसके, चल यस होल्ड, फिर से क्या, हाँ एक बार ये वाला, एक बार बॉल ले दूँ, बॉल को और आगे लेकर गया और अच्छा लगा, चलो यस वन टू थ्री यस नाइस वन मोर वन टू थ्री यस सुपर हाई लोअर अंदर लेना बैट का पोजीशन एक बार तो अपनी बॉडी टिल्ट कर ले आता हूँ कुछ एक बार बैक टू बैक टच करना है कंपोजिशन नहीं बता आदेश लुक कैमरा चेन्नई में जो भी लोग हैं उन लोगों से मेरा मजाक मस्ती बहुत चलती है रिनी जो नाम है उससे भी मेरा बहुत बहुत मजाक मस्ती चली है जस्ट फोल्ड योर हैंड्स हाँ ले लो थोड़ा फ्रंटली बनाना चाहिए होल्ड हाँ नाइस आई थिंक स्लाइटली फेल रेडी थोड़ा लाइट थोड़ा इवन रखो दोनों होल्ड अरे भी स्लाइडली फॉरवर्ड थोड़ा सा एक स्टेप आ गया बाहर यस होल वन मोर होल ठीक है वो बॉल बैग के पर अदिति जस्ट जस्ट होल्ड यस नाइस वन मोर होल होल्ड वन मोर को शॉट दे दे वन टू थ्री यस शाउट कर रही है स्माइल कर रही है यस अलग थ्री यस नाइस हाँ ये नाइस ऊपर वन मोर वन टू थ्री यस ज़्यादा ऊपर ही है थ्री यस नाइस ये अभी सोलो दे देना चल लेकिन अब दादा थोड़ा सा वन साइड रखना लाइट है ठीक है लाइट थोड़ा वन साइड रखो तीन शॉट में ना बैट दादा बैट दादा ब्लोअर पड़ा हुआ है अपने पास ना बस लुक ब्लोअर रखना इधर ही होल्ड लेकिन पीछे थोड़ा टाइट रखना नाइस होल्ड क्लिप इट बैक खाली बैट के साथ लुक वन मोर होल्ड लाइट थोड़ा फ्रंटल करो नीचे नहीं दे रहा ना दिया मैंने इतना फुल भी लिया होल्ड एक मिनट होल्ड ज़्यादा ज़्यादा फ्लाइट हुआ लाइट थोड़ा और वन साइड करो थोड़ा और भारी सी अगर दिल्ली ड्रैगन की बात करी जाए अगर हिस्ट्री देखी जाए तो दिल्ली ड्रैगन्स कभी हारे नहीं थे एंड अनफॉर्चुनेटली पिछला मैच हम चेन्नई से हार गए एंड इट वाज वेरी सैड फॉर अस बट देन हमारे ओनर्स इतना हमें मोटिवेट करा उन्होंने रात को कि वी आर बैक एंड वी आर बैक विद अ बैंग एंड फॉर श्योरली विल विन दिस कप अगेन एंड दिल्ली ड्रैगन्स विल श्योरली रेज द कप सी जब मैं छोटा था तो मैं सबसे ज़्यादा एडमायर करता था रॉबिन सिंह को ही वॉज अ ब्रिलियंट फील्डर फिर ऑब्वियसली जॉन्टी रोड्स मगर वो दूसरी टीम के ही वॉज द बेस्ट वन अगर अभी फिलहाल इंडियन टीम की मैं देखूँ तो मोस्टली सभी बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं एंड हमारी इंडियन टीम
इज वन ऑफ इज ऑब्वियसली द बेस्ट एंड सारे ही फिल्टर्स मैंने अभी तक किसी को ऐसे मिसफील्ड या करते हुए नहीं देखा. एवरी वन ट्राइज देयर बेस्ट एंड दे आर परफॉर्मिंग देयर बेस्ट. एंटरटेनिंग की बात करी जाए तो मेरे से ज़्यादा कोई एंटरटेनिंग है नहीं. अगर आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा. मुझे ऐसा लग रहा है बट पता नहीं आपको कोई और लगे. और अगर फील्डर की बात करें तो मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट दे देना चाहूँगा पुरू को बिकॉज ही इज़ द विकेट कीपर. और मैंने जो वो सेव्स उसने करी हैं, क्योंकि हमारे मोस्टली सारे बॉलर्स स्विंग बॉलर्स हैं और एकदम से बॉल घूम जाती है जो बैट्समैन कंफ्यूज होता है. एंड मैंने अभी तक नहीं देखा पुरू को कि कोई भी उसने स्टंप मतलब कितनी स्टंपिंग कर चुका है कितने और एक भी बॉल नहीं छोड़ता वो पीछे. सो आई थिंक फ्रॉम माई टीम पुरू इज द बेस्ट फील्डर. कौन सी वो ट्रेंड हो रही है होती रहे. जब हम ट्रेंड होंगे तब मैं बात करूंगा. मेरे को क्या लेना है यार, एक विंक करके आप ट्रेंड हो रहे हो. सो हैट्स ऑफ टू इंडिया कि वो उसको इतना करवा दिया. बट देन जब मैं आऊंगा तब देखी जाएगी. अभी मेरे को कोई बात नहीं करनी उसके बारे में. थैंक यू थैंक यू भाई. ऐसे लोग करके भाई मैं तेरे को पता मैं तंग आ गया हूँ यार उसको देख देख कर. समझ रहा है तंग आ गया हूँ भाई मैं. क्यों देखूँ उसको, क्या कर दिया उसने ऐसा कुछ भाई इंडिया के लिए कुछ जी. अच्छा मतलब पुराने दो दोस्त आप दोनों की टीम क्या कहना चाहेंगे और आज के फोटोशूट के बारे में क्या कहना चाहेंगे. बहुत अच्छा फोटोशूट हो रहा है और हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं और हमें उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल फाइनल्स हम भिड़ेंगे दोबारा. यस और वी विल किक देयर एस. देखो पिछले मैच में इसने मुझे बोला था विल किक योर एस बट क्या हुआ किसकी ऐस की कोई. वो तो किस्मत भी कभी कोई चीज होती है. गलती से जीत जब हार जाते हैं तो लोग बोलते हैं किस्मत भी कोई चीज होती है. नहीं होती. ये गलत बात नहीं होती. मैंने तुझे कभी कुछ बोला है? मैंने कभी बोला है? ये मेरा प्यार है दू. नहीं, हम लोगों ने अच्छा गेम खेला और हमेशा आगे भी अगर हम भिड़ते हैं फाइनल में तो अच्छा ही खेलेंगे. अच्छा और फेयर गेम खेलेंगे हम और अपने फुल पोटेंशियल पे खेलेंगे. क्रिकेट खेलेंगे. क्या स्ट्रेटजीज होती है जब टीम मैदान में उतरती है? बस खेलना है, अच्छा खेलना है, ये एक स्ट्रैटेजी होती है. बेसिक्स को फॉलो करना है क्रिकेट के. इनका ये रहता है कि इनको मेंटली कैसे भी गिरा लो. हाँ ऑफ कोर्स, जब ये पार्ट एंड पार्सल है, जब डगआउट्स बिल्कुल पीछे हैं और आपको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप दूसरे के बैट्समैन को थोड़ा बहका सकते हो तो क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे. एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर. एग्जैक्टली. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्लेयर इन योर पर्टिकुलर टीम. इन माय टीम? या इन माय टीम? नो, इनकी टीम में मैं बताऊंगा, तुम मेरी टीम में बताओ. मुझे तो इनकी टीम की दोनों लड़कियां बहुत पसंद है, फिरोजा एंड अदिति. और इनकी टीम में मुझे एक तो श्रुति, क्योंकि वो हमारी टीम का पार्ट थी, वो बहुत अच्छी बॉलर हैं और एक बहुत अच्छी इंसान है. और दूसरा एक है उदय तिवारी. yes. जो कि बहुत 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 अच्छा क्रिकेट खेलता है और बहुत अच्छा लड़का है. तो दो लोग मुझे, ये तो है ही मेरी पसंद, ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, लेकिन एज ए क्रिकेटर वो दोनों बहुत अच्छे. किसके बारे में? अच्छा ये हम भूख लगे तो खाना खिलाओ. ये BCL का फोटोशूट है, बॉक्स क्रिकेट लीग थर्ड सीजन में है और दिल्ली ड्रैगन्स 2 साल से चैंपियन रही है. ये हमारा 3रा साल है. दिस ईयर विल बी अ हैट्रिक अगर हम BCL जीतते हैं तो. अभी तक 15 मैचेस जीते हैं और कोई भी मैच हारे नहीं है. हमारी टीम की स्ट्रैटेजीज मैं ही बनाता हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो द कोच ऑफ दिस टीम. आई एम बींग अ प्लेयर, आई हैव एक्सपीरियंस 2 years ऑफ BCL एंड दिस ईयर आई एम ऑल्सो कोचिंग द टीम. सो आई एम हेडिंग टीम दिल्ली ड्रैगन्स. हम स्ट्रैटेजीज बहुत बनाते हैं. हम पिछले 2 साल से सिर्फ स्ट्रैटेजीज पर ही BCL जीत रहे हैं. हर मैच में हर टीम के साथ एक अलग स्ट्रैटेजी होती है. कहीं हम अपने बैटिंग पे काम करते हैं, कहीं हम अपनी बॉलिंग पे काम करते हैं. जैसे अब शायद सेमीफाइनल्स में हमें मुंबई मिलेगी तो
हम अपने बैटिंग पे ज़्यादा काम करेंगे क्योंकि मुंबई की बॉलिंग बहुत अच्छी है। सो डिपेंडिंग ऑन किस टीम को हम फेस कर रहे हैं उस हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनते हैं। बहुत मेहनत करते हैं सारे एक्टर्स, मैं एक्टर्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स नहीं। और एक्टर्स जब क्रिकेटर्स बन के खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपके हिसाब से कौन से ऐसे बेस्ट एक्टर्स हैं जो अच्छे, कौन से एक्टर्स हैं जो बेस्ट प्लेयर्स हैं? बहुत हैं, बहुत सारे अच्छे हैं प्लेयर्स हैं, यू विल बी शॉक टू सी देम प्ले। सुयश राय है, आदेश चौधरी है, पुरु छिबर है। लड़कियों में आदिति गुप्ता है जो माइंड ब्लोइंग है, शिखा सिंह है जो बहुत अच्छा खेलती हैं, फिरोजा खान है जो बहुत अच्छा खेलती हैं, पारस बब्बर है जो बहुत अच्छा खेलते हैं। देर इज दिस गाय हु इज प्लेइंग हिज फर्स्ट सीजन, पहले सीजन में खेल रहे हैं, पठान, वो बहुत अच्छा खेलते हैं। तो काफ़ी एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं। दिल्ली ड्रैगन्स को कॉम्पिटिशन सिर्फ एक ही टीम दे सकती है, खुद दिल्ली ड्रैगन्स, क्योंकि अभी तक 15 मैच खेले हैं, एक भी नहीं हारे हैं। दिल्ली ड्रैगन्स 2 साल से ये टूर्नामेंट जीत रही है, तीसरे साल वी आर ऑलरेडी इन द सेमीफाइनल्स। तो अब तब जब तक कोई और टीम हमें हराए नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ कि कोई टीम हमें टफ चैलेंज दे सकती है, हरा सकती है? दिल्ली ड्रैगन्स को सिर्फ दिल्ली ड्रैगन्स हरा सकती है। लेकिन क्रिकेट है, गेम है, वी आर नॉट ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। ऑन ए गिवन डे अगर कोई टीम बहुत अच्छा खेले तो हम खुशी खुशी हार मान लेंगे। BCL का एक बहुत बड़ा फ़र्क है, मैंने जो 3 साल से देखा है, मैं 3 साल से BCL खेल रहा हूँ, सारी दूसरी टीम्स जो हैं 10 की 10 टीम्स हमारे अलावा बाकी 9 टीम्स जो हैं, उनका यही मकसद होता है कि किसी भी तरह हम दिल्ली को हरा दें, और दिल्ली का सिर्फ ये मकसद होता है कि हम जीत लें। तो शायद जिस दिन बाकी टीम भी ये सोचने लगेंगी कि वो जीत जाएँ, वो जीत जाएँ।